और हमारी बस यहाँ पे खड़ी है। हमारे जो लेडी कंडक्टर थे उनको ले गए हैं हॉस्पिटल में। पहली बार ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है। हमारी जर्नी रहने वाली है भावनगर से अहमदाबाद और गांधीनगर। हमारी GSRTC की डिलक्स एक्सप्रेस बस, हमारे कैप्टन साहब ने पूरी गाड़ी जो है सजाई है। जो आपने डेकोरेशन कराया है वो 10,000 है, वो पूरा आपने पैसे से कराया। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और GSRTC डेकोरेशन बस सीरीज के एपिसोड नंबर 20 में। तो अभी मैं हूँ फिलहाल हमारे गुजरात के भावनगर में। तो टाइम हो रहे है सुबह के 6 और आज की हमारी डेट ऑफ जर्नी है 14 अप्रैल 2024। तो आज है बहुत ही खास दिन, आज हमारे बाबा का दिन है, मतलब की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती है। तो आप सबको मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामना है। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का हमारा सफर रहने वाला है GSRTC की मिनिमल सा डेकोरेशन की और ये रही मेरे पीछे, आप देख लीजिए GSRTC की डिलक्स एक्सप्रेस बस है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है मैंने, भावनगर वाली जर्नी की है सिरोही से, फिर यहाँ पे स्टे किया था। फिर ये हमारे कैप्टन साहब मेरे फ्रेंड है, उन्होंने गाड़ी पूरी सजाई है अपने पैसों से। आप देख लीजिए आज का हमारा रूट रहने वाला है भावनगर से अहमदाबाद होके फिर गांधीनगर कैपिटल ऑफ स्टेट। देख लीजिए गाड़ी में डेकोरेशन में आपको दिखाता हूँ। राइड खुलने का टाइम है 6:15 को। आप देख लीजिए दूसरी गाड़ी आ चुकी है भावनगर चोटीला और लास्ट में वहाँ कनेक्ट, दोनों गाड़ी जो है सेम डेकोरेशन की है। अभी मैं हूँ फिलहाल ST वर्कशॉप में भावनगर के, यहाँ से फिलहाल आपको जर्नी दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सफर यहाँ से स्टार्ट करते हैं भावनगर से गांधीनगर तक। तो आप लोग वर्चुअली जुड़ जाइए हमारे साथ भावनगर से गांधीनगर तक। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये रही हमारी GSRTC की डिलक्स एक्सप्रेस, मिनिमल सा जो है डेकोरेशन किया है, गाड़ी को सजाया है। तो आज हमारी जर्नी में, हमारी सीरीज में इस वाली बस को मैंने ऐड किया है। हमारी जर्नी रहने वाली है भावनगर से अहमदाबाद और गांधीनगर, जो भी बीच में आएगा धोलेरा बापूनगर उष्णनगर वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। डेकोरेशन जो किया है हमारे कैप्टन साहब ने वो जब होल्ड होगा तब आपको पूरी गाड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा। 6:15 का टाइम है, अभी हम ST वर्कशॉप में है भावनगर। आप देख लीजिए इस तरीके से कुछ है बस। अभी गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं भावनगर बस पोर्ट पे, फिर गाड़ी लगाते हैं, फिर हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से भावनगर से गांधीनगर तक। ये हमारे कैप्टन साहब है और दूसरी गाड़ी आप देख लीजिए भावनगर चोटीला और वाकानेर, वो भी गाड़ी थोड़ी बहुत सजाई है। आप देख लीजिए हमारी गाड़ी आ चुकी है भावनगर बस पोर्ट पे। इस तरीके से कुछ हमारा भावनगर का बस पोर्ट है, काफी सारी GSRTC की बसेस खड़ी। हमारी गाड़ी जो है 7 के प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। गाड़ी जो पूरी है रिजर्वेशन है, मेरा भी अंदर रिजर्वेशन नहीं है। मैं ऑन बोर्ड आपको टिकट लेके दिखाऊंगा गांधीनगर तक कितना फेयर होता है, कितना किलोमीटर होता है, कहाँ से होके जाती है, कितना कौन से होल्ड होता है। आप देख लीजिए काफी सारे पैसेंजर जो अभी रिजर्वेशन वाले बोर्ड करेंगे, फिर राइट हम 6:15 को यहाँ से डिबोर्ड करेंगे भावनगर से गांधीनगर की ओर। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस वाली बस का सिनेमैटिक व्यू। We'll be right back.
तो दोस्तों हमने टिकट जो है ले ली है भावनगर से गांधीनगर तक। टोटल जो डिस्टेंस है 216 किलोमीटर। हमें फेयर लगा इस वाली बस में 171 रुपीज। आप देख लीजिए हमारे कंडक्टर साहब, आज लेडी कंडक्टर है हमारे, और टिकट इन्होंने दे दिए नारी सर्कल से गांधीनगर तक। एंड टू एंड जर्नी करेंगे। धोलेरा स्मार्ट सिटी जाने का रास्ता, धोलेरा न्यू एरा। राइट 8:40 हो रहे, पहुंचे हैं धोलेरा एक्स। ये है भावनगर वडोदरा भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और यहाँ से अभी ओके वो वाली गाड़ी चल जाएगी वडोदरा अहमदाबाद 96 वगोदरा 34। तो दोस्तों सुबह के 8 बजे है और पहुंचे हैं हमारे ऑफिशियली फर्स्ट होल्ड पे। आप देख लीजिए होटल लक्स से भावनगर से गांधीनगर तक की उसमें पहला होल्ड आता है ऑफिशियली लक्स से होटल पे। यहाँ पे 5-10 मिनट खड़े रहेंगे, जिनको फ्रेश होना है। गाड़ी रुकी तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी को, जो डेकोरेशन किया है हमारे कैप्टन साहब से मिलवा देता हूँ, जिन्होंने अपने पैसों से गाड़ी को सजाया है। बीच में जो धोलेरा एक्स आता है वहाँ से पैसेंजर को फिर बोर्ड किया था, फिर ये वाली होटल आती है। यहाँ से फिर अभी आगे की और हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू करेंगे, पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये रही हमारी JSRTC की डिलक्स एक्सप्रेस बस। हमारे कैप्टन साहब ने पूरी गाड़ी जो है सजाई है, मिनिमल सा जो है डेकोरेशन किया है। रूट आपको पता है भावनगर से अहमदाबाद होके फिर गांधीनगर। तो ये रहे हमारे कैप्टन, कैसे हो? उनको इंट्रोड्यूस कराने का आपको भूल गया था, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मितुल भाई। मितुल भाई, तो आपने पूरी गाड़ी को सजाया है, तो दिखा दीजिए। डेकोरेशन में तो क्या है, रेडियम काम करवाया, झालर अंदर, ये झालर है देख लीजिए, और ये मूछ भी लगवाई है, ये व्हील कैप लगवा है, चारों। कितने का लगवा है? बिल्कुल 3500-4000 का। और पूरा ये जो आपने डेकोरेशन करा है वो 10,000 है। तो पूरा आपने पैसे से करा? वाह, आपको शौक है क्या? ठीक है ठीक है। देख लीजिए गाड़ी कुछ ऐसे दिख रही है हमारी साइड से। चारों टायरों में जो है व्हील प्लेट है, स्टार छोटे छोटे हो गए। गाड़ी का जो लुक है वो मिनिमल सा आ रहा है। ड्राइवर साहब ने थोड़ा खर्चा किया है तो ये वाली जर्नी भी हो जाए आपके लिए। काफी सारे बोल रहे थे कि भावनगर से जो जर्नी नहीं ला रहे, तो भावनगर डेपो में से एक बस की जर्नी है। अभी तो और आने वाली है, भावनगर द्वारका है, भावनगर आकोलवाड़ी है, बहुत सारी जर्नी आपके लिए पेंडिंग है। देख लीजिए पीछे से कुछ हमारी गाड़ी ऐसी दिख रही है, भावनगर गांधीनगर भावनगर। तो दोस्तों यह आ चुका है राजकोट अहमदाबाद 6 लेन हाईवे बगोदरा सर्कल। वैसे बगोदरा का बस स्टेशन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों 9 बजे है राइट और पहुंचे है बगोदरा। ये है बगोदरा का बस स्टेशन। एक प्रॉब्लम हो चुकी है, आप देख लीजिए, हमारी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। हमारे जो लेडी कंडक्टर है उनकी थोड़ी हालत जो है बिगड़ चुकी है। होटल पे भी थोड़ा ऐसा था लेकिन उनको थोड़ा एडजस्ट किया। अभी 108 को हमने फोन किया, 108 आएगी तो देखेंगे। और गाड़ी जो है अभी लगा दी है, सारे जो पैसेंजर हो गए उनके दूसरी बसेस में चढ़ा के आगे की ओर बढ़ाएंगे। फिर देखते हैं एम्बुलेंस आती है फिर क्या आगे प्रोसेस है। और बगोदरा का बस स्टेशन कुछ ऐसा है, टोटल हमारी 118 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे हमने कंप्लीट की है। नौ बज के 38 मिनट हो रहे हैं। काफ़ी सारी बसेस में हमारे जो पैसेंजर थे उनको बोर्ड कर दिया है रिपोर्ट देके, और हमारी बस यहाँ पे खड़ी है। हमारे जो लेडी कंडक्टर थे उनको ले गए हैं हॉस्पिटल में। पहली बार ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है। तो दोस्तों राइट 10 बजने को आए, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है आप देख लीजिए। और हमारे जो ट्रिप थी यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी अभी यहाँ से वापस भावनगर की ओर जाएगी, क्योंकि सारे जो पैसेंजर थे हमारे अहमदाबाद, कृष्णनगर और गांधीनगर वाले सभी पैसेंजर को हमने दूसरी बसेस में चढ़ा दिया है, बैठा दिया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता था, आपने देखा कोइंसिडेंस हो गया आज तो हमारे साथ। बगोदरा तक ये वीडियो रखता हूँ, मिलता हूँ एक और नई डेकोरेशन बस के साथ एपिसोड नंबर 21 में। तब तक के लिए जय हिंद।